या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों की शाम। बच्चों की शाम, हाँ, बच्चों की शाम प्रोग्राम का नाम है। और इस प्रोग्राम में होते हैं इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। और इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला हम सबसे पहले तो तिलावत कुरान पाक सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल हम आपसे आज का सवाल करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला नात ए रसूल ए मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। और वक्ता फ़वक्तन जो है हम आपकी कॉल्स को शामिल करते रहेंगे। और जो है फिर इंशाल्लाह ताला इसके आगे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स होंगे, जी हाँ। और आज जो है बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट होगा, जिस सेगमेंट का नाम है रेडी स्टडी गो। तो आपसे गुजारिश है कि जो है आप शुरू से आखिर तक इस प्रोग्राम को देखिएगा। आए सबसे पहले तो दुरूद शरीफ की फजीलत इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, कयामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सब सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह। कि जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, कयामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। तो मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बत्ती जाएंगे नाज़रीन, पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों सेगमेंट है तिलावत कुरान पाक और इंशाल्लाह ताला इस सेगमेंट में हम तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा है आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? मैं आज सूरत अल-फलक की तिलावत करने की सआदत हासिल करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी तिलावत कुरान पाक हो रही हो तो हमें जो है अदब के साथ, एहतराम के साथ सुनना चाहिए और हाथ बांध के सर झुका के जो है हमें तिलावत कुरान पाक सुननी चाहिए। जी आप शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। अपने तिलावत कुरान पाक की, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मीठे मदीने की इबादत हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का सवाल। बच्चों की प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आज का सवाल। तो आज का सवाल है, बताएं सूरतुल फातिहा में कितनी आयतें हैं? सूरतुल फातिहा में कितनी आयतें हैं? प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको यूट्यूब चैनल का भी लिंक देता चलूं कि हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है किड्स मदनी चैनल के नाम से, जिसमें प्रोग्राम बच्चों की शाम, प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन, प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स जैसे सारे प्रोग्राम जो है अपलोड होते रहते हैं। और आपसे कोई अगर कोई एपिसोड मिस हो गई है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ जो चल रही होती है किड्स मदनी चैनल पर, वो भी यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल पर अपलोड होती है। तो आप जो है वहाँ पर जाएं और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं। इससे ये होगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नात ए रसूल ए मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप हमजा भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा हमजा भाई, आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैं आज आपको चलो दियारे नबी की जानिब माशाल्लाह नात सुनाएंगे। माशाल्लाह सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब, सजा 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 पगारे लो हम करम करी, पगारे लो हम करम करी, लो खुदा बना बना कर, पगारे लो हम करम करी, दिलो खुदा बना बना कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु से वो बेना को गर जगा से नावाज दे गए बोला बोला वो बेना को गर जगा से नावाज दे गए बोला बोला सजा दे आकर मुकद्दर यारी की आकर मुकद्दर यारी की आकर मदीने गया मैं खालिद आकर मुकद्दर उस गली मैं झूमूंगा उठा उठा कर या रसूल सजा जाए बागारे लोटे हम करम की दिलों को दाने बना बना माशाअल्लाह। हमजा भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा, अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद अब हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैंने आज का सवाल आपसे ये किया था कि बताएं सूरतुल फातिहा में कितनी आयतें हैं, सूरतुल फातिहा में कितनी आयतें हैं। हमारा मत्ती मकसद क्या है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़ वजल। आपकी कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम सोहा है, मैं आज आपको पोयम सुनाऊंगी। मकड़ी 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 बी मकड़ी बी मकड़ी बी मकड़ी बी मकड़ी झूठे से वो आट करी, झूठा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगा, दोनों बोले मैं निकलूंगी मैं निकलूंगा मैं निकलूंगा। झूठे को फिर गुस्सा आया, मकड़ी ने भी मुँह जिराया, मकड़ी के दिल में एक आया लड़ना अच्छी बात नहीं है, घर में इसको रास्ता दे दो कोई मुश्किल बात नहीं। सोच के मकड़ी ने भी बोला आओ झूठे आप ही निकले। हमें सबक क्या मिलता है कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, लड़ना अच्छी बात नहीं है। माशाल्लाह आपने नज़म सुनाई। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजहां तारी है, मैं शाहपुर जहां से शाहपुर हूं। आपका प्रोग्राम बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, आपको यौमे दास्तान 45 पूरे होने की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। आमीन। माशाल्लाह आपने जो है हमें मुबारकबाद भी दी, जज़ाकल्लाह खैरा, खैर मुबारक हो। और आपने जो आज के सवाल का जवाब भी दिया कि जो है 7 आयतें हैं। इंशाल्लाह ताला हम प्रोग्राम के आखिर में इसका सही जवाब ज़रूर बताएंगे माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। जन्नती जन्नती है, मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती 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 जन्नती। माशाल्लाह आपने नारे लगाए, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत नसीब फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ उबैद रजा। और मैं हूँ अहमद रजा सराय से। आज के सवाल का जवाब ये है कि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा चैनल। बच्चों की शाम जिंदाबाद, बच्चों की शाम जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। इंशाल्लाह ताला आपने जो जवाब दिया है वो प्रोग्राम के आखिर में इसका दुरुस्त जवाब जरूर बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रजा तारी है। मैं मरकजुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब, सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। आपको यौम दावत-ए-इस्लामी बहुत 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 मुबारक हो। किड्स मदनी चैनल हमारा चैनल। माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत और हसन रजा। बच्चों की शान। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा से सवाल करूं? माशाअल्लाह करो। पापा चिड़िया छिपकली को मार सकते हैं? छिपकली ये जो ये दीवार पे होती है, हाँ इसको मार सकते हैं। चूहे को भी मार सकते हैं। तितली को नहीं मार सकते हैं, तितली तो होती है कितनी प्यारी लगती है। चिड़िया को भी नहीं मार सकते। पापा शेर को मार सकते हैं? शेर को तुम कहाँ मार रहे हैं? शेर तो जंगल में होता है, पिंजरे में होता है, उसको तुम खा जाएगा। शेर मारने की जरूरत है। हाँ, अगर ये कोई आबादी में आ जाए और लोगों को खाना शुरू कर दे, हमले करे, खतरा होता तो फिर मार सकते। अगर हाथ में नहीं आता तो क्या करें? जो नीचे होती उनको मार सकते। किनको? कीड़ियों को नहीं मारना चाहिए। बच्चे कीड़ी को मारते हैं, नहीं मारना चाहिए। कीड़ी अल्लाह करती है, अल्लाह का जिक्र करती है, हाँ करती है, अपने को आवाज़ नहीं आती, ये अल्लाह का जिक्र करती है। इसको कीड़ी को मारना जायज़ नहीं। हाँ जो कीड़ी काटती हो ना उसको मारते, ठीक है। आप भी नहीं मारेंगे कीड़ी को, हाँ कोई भी बच्चों कीड़ी को नहीं मारते। जब मुर्गियाँ चोंच मारे तो उनको मार सकते हैं? चोंच मारे तो उसको बेचारी को क्या मारना था, हम मर जाएंगे तो नहीं मारेगी। उनको बाहर रख दे तो बाहर कहाँ रखे? कोई उठा के भाग जाएगा। ऐसी जगह ना रखा जाए कि कोई लेके भाग जाए, जगह भी ना रखे कि बिल्ली खा जाए। ये भी तो ना, छोटी मुर्गी को बिल्ली भी खा जाती है, चूसों को। बड़ी चूजा मुर्गी चूजा पिंजरे में रख देते हैं तो मुर्गी ना खाए, इसको बिल्ली ना खाए, खुला छोड़ देंगे। हम भी नहीं हो तो बिल्ली तो उठा ले लेके भाग सकती है। तो मुर्गी के बच्चे निकल जाए और मुर्गियाँ को पिंजरे में डाल दे तब बिल्ली नहीं खा सकती। बिल्ली पिंजरे के अंदर होगा तो कैसे खाएगी? पिंजरे में कैसे डालेंगे? ये तो अजब घूमती है। छोटियां बिल्ली को पिंजरे में डालने की जरूरत नहीं है। अपनी मुर्गी को पिंजरे में रख के हिफाजत करनी चाहिए। और चूजे को भी हिफाजत करनी है कि मतलब मुर्गी, बड़ी मुर्गी को तो बिल्ली कम मत हमला करेगी, चूजे को ले जाने का ज्यादा खतरा है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। बच्चों की शान। माशाअल्लाह, तो ये था सेगमेंट अमीर अहले सुन्नत और हसन रजा, जिसमें हमने जो है जानवरों से मुताल्लिक दिलचस्प मालूमात सुनी और हमने ये भी सीखा कि हमें चुंटी वगैरह को नहीं मारना चाहिए और जानवरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है ऐसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जाने बढ़ने का जिसमें होंगे सवालात और उस सेगमेंट का नाम है रेडी स्टेडी गो। बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रेडी स्टेडी गो। जी हाँ, रेडी स्टडी को। और इस सेगमेंट में होते हैं दो टीमें और दोनों टीमों से सवालात होते हैं। मैं सवाल करता हूँ और दोनों टीमों के जो टेबल है उनमें बजर लगी हुई है, तो मैं जैसे ही सवाल करता हूँ तो जो सबसे पहले बजर बजाता है उनको जवाब देने का मौका मिलता है। पहले जो है दोनों टीमों को बुला लेते हैं और उनका तारुफ भी लेते हैं। जी टीम मक्की तशरीफ ले आए। माशाल्लाह टीम मक्की तो आ चुके हैं, आए टीम मदनी को भी बुला लेते हैं। जी टीम मदनी तशरीफ है। माशाल्लाह टीम मदनी भी आ चुकी है और टीम मक्की भी आ चुकी है, आए इन दोनों का तारुफ ले लेते हैं। जी मेरा नाम जवाद रजा तारी है। माशाल्लाह जवाद रजा तारी टीम मक्की में, और आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा तारी है। मोहम्मद हसन रजा तारी और जवाद रजा तारी टीम मक्की में, माशाल्लाह। और टीम मदनी में कौन कौन है? मेरा नाम फैज़ान है। फैज़ान माशाल्लाह, फैज़ान रजा तारी। और मेरा नाम मोहम्मद हसनैन तारी है। माशाल्लाह मोहम्मद हसनैन तारी और फैज़ान रजा तारी है टीम मदनी में। तो आप दोनों रेडी हैं? जी तो पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। इस सेगमेंट में जो है दो राउंड होंगे। कितने राउंड होंगे? दो। और पहले राउंड में जो है 10 सवालात होंगे और मैं सवाल करूंगा और आप दोनों ने जो है सबसे पहले बजर बजानी है। जो पहले बजर बजाएगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन सवाल सुनने के बाद। अगर आपने जो है आधे सवाल में बजर बजा दी तो फिर जो है दूसरी टीम को मौका मिल जाएगा। और जो है पहले राउंड में जो पीछे रह जाएगा उसका क्या होगा मैं बताता हूँ। कि जो है पहले राउंड में जो पीछे रह जाएगा उनको जो मैं ऑप्शन दूंगा कि आपको कंटिन्यू करना है या फिर जो है लेफ्ट हो जाना है। अगर वो कहते हैं कि हमें कंटिन्यू करना है तो इनको मौका मिल जाएगा, लेकिन उनको जो है अगर वो दूसरे राउंड में भी हारे तो इनको कोई तोहफा नहीं मिलेगा। लेकिन जो पहले टीम जीती थी उनको जो है अगर वो हार गए दूसरे राउंड में तो उनको जो है तोहफा मिल जाएगा। तो आए शुरू करते हैं। जी तो दोनों टीमें रेडी हैं? देख लें, शुरू कर लें। जी तो मेरा पहला सवाल है, पहले सलाम करने का कोई एक फायदा बताएं। टीम मदनी आंसर दे। पहले सलाम करने का कोई एक फायदा। पहले सलाम करने का तकब्बुर से बरी होता है। पहले सलाम करने माइक में होता है। पहले सलाम करने वाला तकब्बुर से बरी होता है। पहले सलाम करने वाला तकब्बुर से बरी होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। सवाल नंबर 2, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो का इंतकाल शरीफ कौन से शहर में हुआ? टीम मदनी आंसर। शरीफ में। जी माइक में बताया। मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह माशाल्लाह। जी रेडी स्टडी को सेगमेंट का सवाल नंबर 3 और वो ये है, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? बहुत क्लोज है। चलें दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं, अब देखते हैं कौन पहले बजा बजाएगा। सवाल है, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? टीम मदनी आंसर दें। कुरान पाक में 114 सूरतें। 114 सूरतें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें जो है कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने वाले मशहूर शायर सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम बताएं। टीम मदनी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। अगला सवाल, अल्लाह पाक के मशहूर नाम कितने हैं? टीम मक्की माशाल्लाह। अब टीम मक्की ने फाइनल 99। जी 99। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? टीम मक्की मुझे तो लगता है। चले लेकिन जो है दोबारा सवाल कर लेते हैं। सवाल है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? टीम मक्की। अब तो फाइनल हो गया। टीम मक्की आंसर दे। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह माशाल्लाह। अगला सवाल, कौन से सहाबी मस्जिद नबी शरीफ में खुशबू की धुनी देते थे? माशाल्लाह। फिर क्लोज, कोई पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। दोबारा क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन ये है कि कौन से सहाबी मस्जिद नबी शरीफ में खुशबू की धुनी देते थे? टीम मक्की या टीम मदनी? दोबारा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जो है बहुत क्लोज चल रहे हैं दोनों। बहुत जो है क्लोज बजर दबा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सेगमेंट चल रहा है। और दोबारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, कौन से सहाबी मस्जिद नबी शरीफ में खुशबू की धुनी देते थे? टीम मदनी फाइनली आंसर दे दें। हज़रत उमर फारूक जुम्मतुल मुबारक के दिन मस्जिद में नबवी शरीफ में खुशबू की धुनी दिया करते थे। यहाँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मतुल मुबारक के दिन मस्जिद नबवी शरीफ में खुशबू की धुनी दिया करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अगला सवाल, अगर कोई खाना पसंद ना आए तो क्या करना चाहिए? फिर क्लोज जो है दोनों ने बजर बजाई है। देखें आप जो है पहले बजर बजाने की कोशिश करें। अगर कोई खाना पसंद ना आए तो क्या करना चाहिए? ये मदनी, खाने को बुरा भला नहीं कहना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए। जी हाँ, खाने को बुरा भला नहीं कहना चाहिए बल्कि जो है सब्र करना चाहिए। अगर कोई डिश ऐसी पकी है जो आपको पसंद नहीं है तो हमें जो है बुरा भला उस खाने को नहीं कहना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए रेडी स्टेडी गो के पहले राउंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, घर में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले दाखिल करना चाहिए? टीम मक्की ने जो है पहले बजर बजाइए। जी सीधा कंफर्म है? अच्छा टीम मक्की, आपने जो है सवाल पूरा मुकम्मल सुनने से पहले जो है बजर बजा दिए, जिसकी वजह से टीम मदनी से सवाल का जवाब दिया जाएगा। सवाल का जो है आप जवाब देंगे और सवाल है कि घर में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले दाखिल करना चाहिए? सीधा कंफर्म है दोनों? जी हाँ, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जन्नत में कौन से नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत दाखिल होगी? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। जी तो अभी जो है स्कोर हमें पता चल रहा है, कैलकुलेट हो रहा है स्कोर। तो जब तक जो है नाज़रीन से जो सवाल किया है वो मैं दोहरा देता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है कि बताएं सूरत अल-फातिहा में कितनी आयतें हैं? सूरत अल-फातिहा में कितनी आयतें? नाज़रीन की कुछ कॉल्स आई है वो शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा तारी की ओर से। सूरत अल-फातिहा में 7 आयत हैं। इसका तुझे सलाम है, इसका तुझे सलाम है, इलियास क़ादरी मेरे पीर का ये नाम है, इलियास क़ादरी। दावत-ए-इस्लामी पाइंदाबाद पाइंदाबाद, अमीर अहले-सुन्नत जिंदाबाद, अमीर अहले-सुन्नत जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा अहमद और तल्ला भाई, आपने जो हमारे प्रोग्राम में कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हुआ है निशा बजानब, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों का बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह। प्यारे हमजा भाई, मैं आज आपका सवाल का जवाब दूंगी। जी सवाल का जवाब है के साथ आया है किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह। यौम दावत इस्लामी मरहबा, माशाल्लाह। यौम दावत इस्लामी मरहबा मरहबा। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूं अनंत रफीक, डेरा इस्माइल खान और नई बेला से बात कर रही हूं। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। बताएं। हमारा प्यारा प्यारा मदनी मकसद क्या? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, बच्चों की शाम जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बच्चों की शाम जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अच्छा, स्कोर हमें जो है पता चल गया है और स्कोर ये है कि टीम मदनी जो है 7 दुरुस्त जवाब देकर जो है आगे है और टीम मक्की जो है 3 जो है दुरुस्त जवाब देकर जो है वो पीछे। अब टीम मक्की, आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर जो है छोटा सा तोहफा लेकर रुखसत करेंगे। हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, कंफर्म है? देख लें, अगर आप दूसरा राउंड भी हार गए ना तो फिर आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। कंफर्म है? दोनों कंफर्म है? चलें ठीक है। टीम मक्की और टीम मदनी दोनों दूसरे राउंड में खेलेंगे क्योंकि जो है टीम मक्की को जो है कंटिन्यू करना है। तो आए शुरू करते हैं दूसरा राउंड ऑफ रेडी इस रेडी गो जी। तो अब जो है मुकाबला शुरू हो चुका है और मुकाबले के दूसरे राउंड का पहला सवाल है दूसरे कलमे का नाम बताएं। टीम मदनी आंसर दें। कलमा शहादत। कलमा शहादत दुरुस्त जवाब है आपका। अल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले सफरे मदीना के वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ कितनी थी? टीम मदनी आंसर दे। 22 साल। 22 साल, 22 इयर्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह माशाल्लाह। 13वां सवाल, एक बच्चा एक दिन में 10 बार पहला कलमा पढ़ता हो तो बताएं 25 दिन में कितने हो जाएंगे? टीम मक्की आंसर दें। 25 दिन में 250 हो जाएंगे। 25 दिन में 250 हो जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्बीह फातिमा किसे कहते हैं? जी टीम मदद। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह। देख ले कन्फर्म है आपने जो है आंसर दिया है कि 33 बार सुभानअल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। दोनों कंफर्म है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर को अरबी में क्या कहते हैं? टीम मक्की मदीना। मदीना जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक मज़ार किस शहर में है? ये मदनी आंसर दे। मुल्तान में। मुल्तान में। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताएं वो कौन सी मशहूर शख्सियत है जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं? टीम मक्की आंसर दे। हजरत ज़ुल्क़र्नैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत ज़ुल्क़र्नैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जी रहमतुल्लाह अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरत बीबी हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किसकी वाइफ थी? टीम मदनी आंसर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु किस चीज का कारोबार करते थे? टीम मदनी आंसर दे। इतर का। इतर का कंफर्म है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन है रेडी स्टडी गो का और वो क्वेश्चन ये है कुरान पाक में किस दरख्त को बरकत वाला फरमाया गया है? टीम मक्की आंसर दे। जैतून के दरख्त को। जैतून के दरख्त को। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह माशाल्लाह। टीम मक्की ने जो है जवाब दुरुस्त दिया है लेकिन रेडी स्टडी गो सेगमेंट टीम मदनी जीत चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो टीम मदनी आपको और टीम मक्की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने सेगमेंट रेडी स्टडी गो किया। आए टीम मदनी को जो है आप तोहफे भी दे देते हैं। टीम मक्की आप तशरीफ ले जा सकते हैं और टीम मदनी आपके लिए जो है ये तोहफा। आमीन जी। तो आप दोनों टीम में तशरीफ ले जाएं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आज प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं हूँ आयशा तारिया मिनसे नबाते। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। मैं आज आपको ये शेर सुनाऊंगी। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया। देखो उजाला ही उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरे अच्छा हमजा भाई, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। आज मैं आप सबको एक पोएम सुनाऊंगी। बाग में बिल्ली के बच्चे आपस में थे खेल रहे। एक बच्चे को भूख लगी, माँ से बोला अम्मी जी भूख लगी है खाना दे, भूख लगी है खाना दे। अम्मी अम्मी बोली जरा रुके, थोड़ी देर में आती हूँ, कुछ खाने को लाती हूँ। याद रहे मेरा कहना, पेड़ के पास खड़े रहना। आए अगर अनजान कोई चीज़ अगर दे खाने को, उससे लेकर ना खाना, उसके साथ नहीं जाना। माँ समझा कर चली गई, लो मेरी थी ये देख रही। बच्चों से जाकर बोली बोली चलो अभी जल्दी 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 जल्दी। माँ उस घर में बैठी है, खाना बिल्कुल रेडी है। भूल गए सब माँ की बात, लोमड़ी ले गई सबको साथ। बाकी पोयम बाद में सुनाऊंगी। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाल्लाह, आप जो है बाकी पोएम जो है वो बाद में सुनाइएगा, मगर अपनी वीडियो बनाकर ज़रूर भेजिएगा। और आपने जो नज़म सुनाई उससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब प्रोग्राम बच्चों की शाम के अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, जिसका नाम है तज़किरा है नेकों का। बच्चों की माशाल्लाह सेगमेंट है तज़किरा है नेकों का। माशाल्लाह ये सेगमेंट करेंगे उसैद भाई। कैसे हैं आप उसैद भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। जी शुरू करें। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम बहुत ही प्यारे से सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सुनने वाले हैं। और वो सहाबी बहुत ही मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत की। यहाँ तक के उनका लक़ब भी ख़ादिमुन नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ादिम है। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अम्मी जान का नाम उम्म सुलैम है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक़ मदीना मुनव्वरा से है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू हम्ज़ा रखी। और आपका मशहूर लक़ब ख़ादिमुन नबी है। और इस लक़ब पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहद फ़ख्र था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और 10 साल तक हर हाल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तबरुकात में से उनके पास छोटी सी लाठी थी और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वसीयत की थी कि उस लाठी को मेरे कफ़न में रखा जाए। चुनाचे ये लाठी आपके कफ़न में रख दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ख़ास तौर पर माल और औलाद में तरक्की और बरकत की दुआ फरमाई थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें बयान की। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में लोगों को तालीम देने के लिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से बसरा चले गए। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बिला हिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा उसैद भाई, अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आज की सुन्नत। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों ये सेगमेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुफियान भाई। सुफियान भाई जी शुरू करें। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा उठना बैठना भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर किबला शरीफ की तरफ अपना चेहरा मुबारक करके बैठा करते थे। काश हम भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा किबला शरीफ की तरफ मुँह करके बैठें। आए बैठने की कुछ सुन्नतें और आदाब सुनते हैं। 4 जानू यानी पाल्टी मार कर बैठना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जहाँ कुछ धूप और कुछ छाँव हो वहाँ ना बैठें। हदीस पाक में इससे मना किया गया है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा किबला रुख होकर बैठें। बुज़ुर्गों की सीट पर बैठना अदब के खिलाफ है। पीर साहिब या टीचर की जगह पर भी नहीं बैठना चाहिए। जब कभी इज्तिमा या किसी प्रोग्राम में आएँ तो लोगों को फलांग कर आगे ना जाएं, बल्कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। जब बैठें तो सैंडल या जूते जो भी हो उतार लें, इससे आपके कदम आराम पाएंगे। जब कोई आलिम या बाअमल या नेक शख्स या सैयद साहिब या पेरेंट्स आएँ तो उनकी ताज़ीमन यानी इनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाना सवाब है। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन बिजाय नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लम। जज़ाकल्लाह खैरा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंच चुका है, इसलिए मैं आपको जो है आज के सवाल का जवाब बता देता हूं, और वो ये है कि सूरतुल फातिहा में 7 आयतें हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक ये प्रोग्राम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम।